सीखेंगे तो आप लोग भी इतना सीख जाएंगे। देखिए यन फॉर नेस्ट कैसे बनाएंगे। पहले हम 20 की लाइन छोड़ देंगे और 20 की लाइन में हम इस तरीके से ऐसे करके घुमाएंगे और फिर नीचे वाली लाइन से ले जाकर इस तरीके से बनाएंगे। क्या बन गया हमारा? यन फॉर नेस्ट। नेस्ट मीन्स क्या होता है? घोंसला। फिर इसके बाद ओ फॉर ऑरेंज, ऊपर की लाइन छोड़ देंगे, 20 की लाइन में हम ऐसे गोल गोल बनाएंगे। ये हमारा बन जाएगा ओ फॉर ऑरेंज। ओ फॉर ऑरेंज मीन्स संतरा। इसके बाद ओ से ऑरेंज के बाद क्या आएगा? पी फॉर पैरट। पी फॉर पैरट तीन लाइनों में भी बनता है नीचे की। अगर जिसको तीन लाइनों में ना बनाना हो तो वो फोर लाइनों में भी बनता है इस तरीके से। 1 2 3 4 फोर लाइन में हम ऐसे लाइन खींचेंगे और 20 लाइन में इस तरीके से घुमा देंगे। ये हमारा बन गया पी फॉर पैरट। पी फॉर पैरट किसके होता है? तोता। आप देखिए क्यू फॉर क्यून। क्यू फॉर क्यून मीन्स क्या होता है? काली। क्यू फॉर क्यून कैसे बनाएंगे? पहले हम ऊपर की लाइन छोड़ देंगे, नीचे की तीन लाइनों में जैसे हम बी फॉर बैन बनाते हैं इस तरीके से हम पहले हम इस तरीके से करेंगे और ये जरा से घुमा दिया और ऐसे गोल गोल राउंड किया। ये हमारा बन गया क्यू फॉर क्यू। क्यून फिर क्यून मीन्स क्या होता है? रानी। आज बार रोज देखिए, पहले हम इस तरीके से घुमाएंगे 20 की लाइन में, ऊपर की लाइन छोड़ देंगे, ये ऐसे करके किया, इसके बाद इस तरीके से घुमाया और ये किया, बन गया हमारा आपका रोज। रोज मीन्स क्या होता है? गुलाब का फूल। आप यस फॉर सन कैलकुलेटर में तो तीन लाइनों में बनता है, मगर स्मॉल लेटर में 20 की लाइनों में हम छोटा सा ये ऐसे करके घुमाएंगे। ये हमारा यस बन गया। फिर इसमें हम ऐसे घुमा कर ये बना देंगे कि क्या बन गया हमारा? यस फॉर सन। सन मीन्स क्या होता है? सूरज। अब देखिए टी फॉर टाइगर। टी फॉर टाइगर हम क्यू की जस्ट नीचे तीन लाइनों में पहले हम 1 2 3 लाइन में नीचे से स्टार्ट करेंगे और नीचे से ले जाकर हम ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, क्या बन गया हमारा? और बीच में ऐसे खींच देंगे, क्या बन गया? टी फॉर टाइगर बन गया। टी फॉर टाइगर के बाद यू फॉर अम्ब्रेला कैसे बनाएंगे? ऊपर की लाइन छोड़ेंगे और 20 की लाइन में हम इस तरीके से घुमाएंगे। ये घुमाया, इसके बाद इसी में हम इस तरीके से ये कर देंगे। ये हमारा क्या बन गया? यू फॉर अम्ब्रेला। यू फॉर अम्ब्रेला मीन्स छाता। अब देखिए वी फॉर बैन, जैसे हमने 20 की लाइनों में यू फॉर अम्ब्रेला बनाया था उसी प्रकार हम वी फॉर बैन भी 20 की लाइन में इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारा बन गया वी फॉर बैन। बैन मीन्स क्या होता है? गाड़ी, जिसमें हम लोग बैठते हैं। अब देखिए डब्लू फॉर वॉच, जिस तरीके से हमने यू और वी को 20 की लाइन में बनाया था उसी प्रकार हम W को भी दो बार राउंड करके ये घुमाया, फिर घुमाया और इस तरीके से ऐसे किया। ये हमारा क्या बन गया? W फॉर वॉच। W फॉर वॉच में क्या होता है? घड़ी, जो हम लोग अपने हाथों में बांधते हैं। X फॉर एक्स मिस्ट्री, देखिए X फॉर एक्स मिस्ट्री जो 25 दिसंबर में क्रिसमस लोग क्रिसमस ट्री अपने आंगन में लगाते हैं उसी को बोलते हैं क्रिसमस ट्री, ठीक है। अब वाई फॉर यार, ये देखिए वाई फॉर यार हम इस तरीके से पहले ऊपर ले जाएंगे फिर नीचे लाएंगे और ऐसे घुमाएंगे, क्या बन गया हमारा? वाई फॉर यार। अब देखिए जेड फॉर जेब्रा भी ऊपर की लाइन छोड़ देंगे और नीचे की लाइन, नीचे की तीन लाइनों में इस तरीके से हमने ये किया, फिर ये से तिरछा किया, फिर ऐसे ले गए, फिर नीचे लाए और घुमा दिए, क्या बन गया? जेड फॉर जेब्रा। जेड फॉर जेब्रा भी चित्तेदार घोड़ा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग अपनी कॉपी में लाइनों का ध्यान रखकर अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलिए एक बार फिर से देखिए, यन फॉर नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला, ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा, पी फॉर पैरट, पैरट मीन्स तोता, क्यू फॉर क्यून, क्यून मीन्स रानी, आर फॉर रोज, रोज मीन्स क्या होता है? गुलाब का फूल, यस फॉर सन, सन मीन्स सूरज, टी फॉर टाइगर, टाइगर मीन्स चीता, यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मीन्स
छाता, V for van, van means गाड़ी, W for watch, watch means घड़ी, X for X-Metry माने X-Metry, Y for yard और Z for zebra. ठीक है बच्चों, अपनी कॉपी में ये कवर कर लेंगे और ये जल्दों में आप लोग करके दिखाएंगे. ओके पहले काउंटिंग पढ़ाई थी 1 से 80 तक. हम आज आपको हम 81 से 100 तक पढ़ाएंगे. और देखिए किस तरीके से 81 लिखेंगे हम. चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ साथ आप लोग भी पढ़ाएंगे. ओके देखिए एट कैसे लिखेंगे. इस तरीके से हमने एट बनाया और इसके बगल में 1 लिखा. क्या बन गया ये मेरा 81. अब देखिए 82 कैसे लिखेंगे. फिर एक बनाया इस तरीके से और बगल में 2 लिख दिया. क्या बन गया हमारा ये 82. फिर देखिए इसी के नीचे हम 8 के नीचे फिर 8 लिखेंगे. ये ऐसे करके बनाया 8 बन गया और इसके बगल में हम 3 लिखेंगे. तो क्या बन गया ये मेरा 83. फिर आइए 83 के बाद क्या आएगा 84. हो गया ये 94.
बाद हम क्या लिखेंगे 97, 97 देखिए कैसे लिखेंगे, ये 9 बनाया फिर 7 बनाया, ये हमारा हो गया 97। ठीक, अब 97 के बाद क्या लिखेंगे, 98 देखिए कैसे लिखेंगे, 98 क्या हो गया ये 98। अब 98 के नीचे लिखेंगे 99 देखिए कैसे लिखेंगे, ये 9 लिखा इसके बगल में 9 लिखा, ये हमारा हो गया 99 के बाद क्या आएगा 100, 100 समझ जाएगा बच्चों, ये 100 कैसे लिखेंगे, ये हमारा हो गया 81 से 100 तक। चलिए हम फिर से एक बार आपको रिपीट करते हैं, पढ़िए हमारे साथ 81, 82